22 प्रतिज्ञाओं को अपने आचरण में लाए और पूरे दुनिया में शांति और मानवता के लिए काम करें, चूंकि नफरत से कभी दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। आज पूरे दुनिया में नफरत किस कदर हावी है, आप मणिपुर में देखिए क्या हुआ, और आज आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के अंदर कितने लोग बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच आप देख रहे हैं कितने महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। एक तरफ अंबेडकरवाद है जो न्याय पर चलता है, समता पर चलता है, बराबरी पर चलता है, जिसमें अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद की विचारधारा है, मनुवाद की विचारधारा है, जिसमें विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है। तो जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। आज के दिन जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद उनको लगा कि मैंने दुनिया जीत ली, मैंने जग जीत लिया, चारों तरफ लाशें ही लाशें थी, खून ही खून था, और सम्राट अशोक यह सोचकर प्रफुल्लित थे कि मैंने कलिंग को जीत लिया, मैंने दुनिया को जीत लिया। लेकिन एक भिक्षु ने सम्राट अशोक से पूछा, क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग द्वेष, लोभ मोह और अहंकार को जीत लिया? सम्राट अशोक चुप हो गए। फिर भंते जी ने कहा कि क्या ये जो चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, क्या तुम इनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? यह सुनने के बाद सम्राट अशोक बेहद चिंतित हो गए और उन्होंने वो बुद्ध के शरण में आ गए, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज ही के दिन शस्त्र अस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर और यहाँ से उन्होंने पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने का काम शुरू किया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी, वो अपनी बेटी और बेटे को भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। आज का दिन हम सब के लिए, सभी मानवतावादी लोगों के लिए, जो लोग जातिवाद छुआछूत से दूर मानवता को तवज्जो देने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो पहले तो मैं आप सभी को अशोक विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। केवल रस्म अदायगी से काम चलने वाला नहीं है। अभी आपने देखा है 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, मैंने नहीं दोहराई, इसलिए नहीं दोहराई, मैं दीक्षा ले चुका हूं, मैं 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में आचरण में उतार चुका हूं, और एक बार अगर उतार ली तो मुझे बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बार बार दोहराते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप तथागत बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में लाए, 22 प्रतिज्ञाओं को अपने आचरण में लाए और पूरे दुनिया में शांति और मानवता के लिए काम करें, चूंकि नफरत से कभी दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, प्यार से दुनिया आगे बढ़ सकती है। आज पूरे दुनिया में नफरत किस कदर हावी है, आप मणिपुर में देखिए क्या हुआ, और आज आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के अंदर कितने लोग बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच आप देख रहे हैं कितने महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे नफरत के वातावरण में, जहां धर्म नफरत बढ़ा रहा है, वहीं पर धर्म शांति पैदा कर रहा है, प्यार बढ़ा रहा है। पूरे दुनिया को शांति की जरूरत है, और मैं समझता हूं शांति बुद्ध के धर्म में है, जहां दया है, करुणा है, ममता है, सील है, प्रज्ञा है। तो यह बुद्ध का धर्म कोई छोटी चीज नहीं है, ये रस्म अदायगी की बात नहीं है। पूरे दुनिया को शांति के लिए बुद्ध के धम्म के को अपने आचरण में लाने की जरूरत है। जहां जहां बुद्ध का धम्म फैलेगा, वहां वहां शांति फैलेगी, प्यार फैलेगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, विकास होगा। और इस अवसर पर एक बात जरूर कहूंगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर समझौता पर साइन करने के बाद दुखी क्यों थे? उनका मन दुखी क्यों था? उनका मन इसलिए दुखी था,
उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा था, उन्होंने अपने लोगों के लिए डबल वोट का अधिकार मांगा था, लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए और गांधी जी की जान बचाने के लिए और तमाम देश के दलितों आदिवासियों को नरसंहार से कत्लेआम से बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समझौता किया। लेकिन उस समझौते का जो परिणाम देखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मन से दुखी थे और उन्होंने कहा था कि मेरा मन करता है कि आज मैं बिजली के खंभे को चिपक के अपनी जान दे दूं, क्योंकि वो जानते थे कि ये पूना पैक्ट के द्वारा जो हमारे प्रतिनिधि चुनाव जीत कर जाएंगे वो हमारे नहीं होंगे, वो समाज की आवाज नहीं बनेंगे, वो गुलाम होंगे, वो अपनी अपनी पार्टी के इशारे पर काम करेंगे, उन्हीं के सामने, उन्हीं की आंखों के सामने, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर उन्हीं के समाज का कत्लेआम होगा, उनके हक अधिकार छीने जाएंगे और वो उस अधिकार छीनने के फेवर में अपना वोट डालेंगे, उसके खिलाफ अपनी आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। ये बात सोचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दुखी थे। इसी उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र इसलिए मांगा था ताकि हम अपने प्रतिनिधि खुद चुन सके, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों पर जो लोग चुनाव लड़े उनको वोट केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोग डालें, ताकि वो चुनकर जब जाएं तो याद रखें कि अगर हम अपने समाज की आवाज नहीं बनेंगे, अगर अपने समाज के हक अधिकार की आवाज नहीं उठाएंगे, अगर जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमारे लोग अगली बार हमें वोट नहीं डालेंगे, हमें हरा देंगे। लेकिन ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी एससी एसटी की सीट पर लड़ता है उसको केवल एससी एसटी वोट नहीं डालता, सब लोग वोट डालते हैं, तो वो सबका चुनाव प्रतिनिधि हो जाता है, अपनी पार्टी का गुलाम बन जाता है, अपनी समाज की आवाज नहीं बनता। इसलिए हमने आज के इस अवसर पर मैं एक संदेश देना चाहता हूं, जो मैं पिछले करीब 15 दिन से पूरे देश के कोने कोने में जाकर दे रहा हूं, और अभी मैं 26 तारीख को निकल रहा हूं यहां से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और वहां से होता हुआ वहां भी एक ही संदेश कि अब हमारी अगली जो लड़ाई है वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की होने वाली है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हमारे नहीं है। जो लोग एससी एसटी की रिजर्व सीट से चुनके जाते हैं वो लोग हमारी आवाज नहीं बन पा रहे हैं, उन्हीं के रहते हुए सरकारों ने साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा करके हमारे बच्चों से एजुकेशन को छीन लिया है, उन्हीं के रहते हुए सारे सरकारी संस्थानों को बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, हमारे लोगों को नौकरी माने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उन्हीं के रहते हुए उन्होंने ठेकेदारी प्रथा ला के हमारे फोर्थ क्लास के एम्प्लॉयमेंट तक को बंद कर दिया, ठेके पे दे दिया। तो हमारे आगे बढ़ने के केवल दो रास्ते थे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाए थे। पहला, जो हमारे हजारों साल से पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश थी, उस बंदिशों को तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर, शिक्षण संस्थानों में हमें रिजर्वेशन दिलवाकर, हायर एजुकेशन में आगे बढ़ने का रास्ता खोलकर और रिजर्वेशन के माध्यम से सरकारी नौकरियों में आकर आगे बढ़ने का जो रास्ता बनाया था, वो इन्हीं सरकारों ने धीरे धीरे वो दोनों रास्ते हमारे बंद कर दिए। एक तरफ उन्होंने प्राइवेटाइज करके हमारी नौकरियां छीन ली और एजुकेशन को महंगा करके हमारे बच्चों से शिक्षा छीन ली। जब शिक्षा चली जाएगी, जब नौकरियां चली जाएंगी, इतना पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है कि वो अपना व्यापार कर सकें, और जब ना व्यापारी बन पाएंगे, ना नौकरी में जा पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, तो उसके बाद हमारे लोग बनेंगे क्या? मजदूर बनेंगे। मजदूर बनने का मतलब है दोबारा से गुलाम बनेंगे। तो क्या आप अपने बच्चों को दोबारा गुलाम बनते हुए देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते, तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। लड़ने का एक तरीका है, इसे लड़ने के लिए, चूंकि ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, इसकी ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अंबेडकरवाद है जो न्याय पर चलता है, समता पर चलता है, बराबरी पर चलता है, जिसमें अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी के साथ स्त्री पुरुष के रूप में या जाति के रूप में कोई भेदभाव नहीं है। तो एक तरफ अंबेडकरवाद की विचारधारा है और तीसरी तरफ ब्राह्मणवाद की विचारधारा है, मनुवाद की विचारधारा है, जिसमें विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, जहां केवल और केवल गुलामी है। तो या तो गुलामी का रास्ता चुन लो, या फिर स्वतंत्रता का, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का, विकास का रास्ता चुन लो। ये आपको तय करना है कि आपको क्या चुनना है। आपको अपने बच्चों के लिए खुशहाली और प्रगति चाहिए, या अपने बच्चों को गुलामी चाहिए, यह आपको तय करना है। तो अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, दो विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा को चुनो। जो लोग दोनों विचारधाराओं पर पैर रखते हैं वो डूब जाया करते हैं। हमारे लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग दोनों विचारधारा पर पैर रखे हुए हैं।
अरे मैं कहना चाहता हूं इस विजयदशमी के अवसर पर जब आप बौद्ध बन गए तो बुद्धि के धम्म को अपने आचरण में क्यों नहीं लाते, बुद्धि की शिक्षाओं को अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते। अगर आप बुद्धि की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे तभी हम लोग अशोक विजयदशमी को मनाने लायक बनेंगे। अदरवाइज अशोक विजयदशमी तो मना रहे, हर साल दीक्षा का आयोजन करते हैं लेकिन अपने आचरण में बुद्ध के धम्म को, बुद्ध की विचारधारा को नहीं लाते, इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग ये जो दो साल का, एक साल का जो पीरियड गुजरा है, अभी एक ही साल हुआ है, इसी अंबेडकर भवन में आप सब लोगों की उपस्थिति में यहीं से दीक्षा का आयोजन हुआ। तब से पूरे दुनिया के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं प्रचारित हो गई, तब से पूरे दुनिया में लगातार धम्म दीक्षा के समारोह हो रहे हैं और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए तब से आज तक एक साल के अंदर 6.5 लाख लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं रसमदाई की के रूप में दीक्षा मत लीजिए, आप बुद्ध के धम्म को, उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारिए। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर सपना पूरा करना है, अगर आप नहीं चाहते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी बेकार जाए, अगर आप नहीं चाहते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे खोए, जवानी में अपनी पत्नी खोई, उनकी वो कुर्बानी बेकार चली जाए, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा पे चलिए, समाज को जोड़िए, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, क्योंकि जातियों ने हमारे समाज को कमजोर किया है, जाति हमारे उत्पीड़न का कारण है, जाति हमारे शोषण का कारण है। और हम लोग जब तक जातियों को जिंदा रखेंगे तब तक जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न जिंदा रहेगा। अगर जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो जाति छोड़ो समाज जोड़ो, बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्ध के धम्म को अपनाओ, अपने आचरण में लाओ, तभी मैं समझता हूं हमारा देश, हमारे लोग पूरी तरह आजाद होंगे, तभी दुनिया इस विषमता से मुक्त होगी, तभी दुनिया तरक्की के मार्ग पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलकर आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।